तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त वीडियो लेकर। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा, काफी दिनों के इंतजार के बाद फाइनली दोस्तों BGMI आ चुका है। लेकिन दोस्तों जो गेम है वो सबके लिए अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जल्दी सबके लिए गेम अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कैसे आप लोग अपने पबजी ग्लोबल आईडी की जो डाटा है उसको आप लोग BGMI पे ट्रांसफर कर सकते हो। बताएंगे दोस्तों आप लोग कैसे डाटा ट्रांसफर कर सकते हो इसी वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि दोस्तों आप लोग जब भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की जानकारी मिल सके। और एक चीज है दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आता रहता हूँ रेगुलरली। तो जरूर से दोस्तों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए ज्यादा टाइम न बात करते हो, जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो दोस्तों गेम को इंस्टॉल करते ही जैसे आप लोग ओपन करेंगे वैसे ही दोस्तों आप लोगों को क्राफ्टन के नाम देखने को मिल जाती है। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को BGMI की तरफ से एक नोटिस भी मिल जाती है। और जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप लोगों को लॉग इन करने के लिए दो ऑप्शन देखने को मिल रही है। अगर दोस्तों आप लोगों का अकाउंट है वो फेसबुक से लिंक्ड है तो दोस्तों आप लोग फेसबुक की मदद से लॉग इन कर सकते हो। और अगर दोस्तों आप लोगों का अकाउंट जो है वो ट्विटर के साथ लिंक्ड है तो दोस्तों आप लोग ट्विटर की मदद से भी यहाँ पे आप लोग लॉग इन कर पाओगे। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और दोस्तों जैसे ही आप लोग यहाँ पे लॉग इन करेंगे वैसे ही दोस्तों आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ ट्रेलर सा ओपन होकर आता है। दोस्तों यहाँ पे ट्रेलर कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ कैरेक्टर चेंजेस देखने को मिल जाती है। आप लोग अपने अपने हिसाब से इन सारी चीजों को क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है जो रिवार्ड्स आप लोगों को मिलने वाली है। और दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ पे आप लोगों को डाटा ट्रांसफर के लिए यस और नो की ऑप्शन देखने को मिलती है। तो दोस्तों आप लोगों को सिंपली यहाँ पे यस कर देना है। और दोस्तों यहाँ पे भी आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे भी यस करना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे यस कर देंगे वैसे ही दोस्तों आप लोगों के सामने एक न्यू टैब ओपन होकर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डाटा ट्रांसफर के लिए क्लियरिफिकेशन मांगी जा रही है तो दोस्तों आप लोग सिंपली यहाँ पे भी यस कर देंगे। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शंस देखने को मिल रही है, फेसबुक और ट्विटर। तो दोस्तों आप लोगों का अकाउंट जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिंक्ड है दोस्तों आप लोग उस सोशल मीडिया अकाउंट की मदद से यहाँ पे सिंपली लॉग इन कर सकते हो। तो दोस्तों मेरा अकाउंट जो है वो फेसबुक के साथ लिंक्ड है तो मैं यहाँ पे फेसबुक पे क्लिक करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जैसे ही मैं यहाँ पे फेसबुक पे टैप करता हूँ वैसे ही दोस्तों ऊपर में यहाँ पे डाटा ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। दोबारा टैप करते हैं दोस्तों फेसबुक में यहाँ पे लोडिंग का सरफेस आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने सक्सेसफुली ग्लोबल आईडी से बिल्कुल ही दोस्तों BGMI में डाटा अपना ट्रांसफर कर लिया है। और दोस्तों गेम को ओपन करते हैं सबसे पहले आप लोगों को पूछा जाता है आप लोग 18 इयर्स के ऊपर हो या फिर नहीं। मुझे नहीं लगता है दोस्तों आप में से कोई भी 18 इयर्स के नीचे अपना एज जो है वो सिलेक्ट करने वाला है। तो दोस्तों होप करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा किस तरीके से आपका डाटा जो है वो ग्लोबल आईडी से बिल्कुल ही BGMI आईडी में आप लोगों को ट्रांसफर करना है। और दोस्तों अगर आप लोगों को BGMI डाउनलोड करना है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो जाइए जाकर जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और दोस्तों इसी चीज़ के साथ साथ आप लोग नोटिफिकेशन को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि दोस्तों आप लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ फिर से एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।